कितने टाइम रहते हो आप वहाँ पे? वहाँ पे 2-3 महीने रहते हैं। 2-3 महीने कितने लोग हैं जी आप? हम छह आदमी है। 6 आदमी ये है 1100। 1100 सही बात, सही। तो कहीं बाल बच्चे से बाल नहीं है। सही बात है, सही। हेलो आंटी, आप बहुत बहुत ये बाबा, ये तो बहुत बड़ा भारो है। वो ना सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता ये ना, ऐसे बात कर रहा था फोन पे, मतलब फोन नहीं है पर ऐसे किसी से बात कर रहा, किसे कर रहा था? अब देखो जो बकरियां है ना, ये अभी जा रही है सारे ऊपर जंगलों के लिए। आज तक इनका डेरा इधर गांव में ही था, अब ये 6 महीने ना ऊपर जंगलों में रहेंगी। तो जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे ही ना यहाँ के चरवाहे ऊपर इनको लेके जाते हैं, और कितने ज़्यादा है। और ये ना एक ही जने के नहीं है, ये अलग अलग जनों के हैं, तो सब लोग एक के पास देते थे, वो उनकी रखवाली करते हैं और उनको कुछ पैसा दे देते हैं। तो देखो ताऊ जी ना इनके साथ है, ये बकरियों के साथ। तो ये अभी कहाँ ले जा रहे हो आप? अभी जाएंगे पनोसर। पनोसर जी। तो कितने टाइम रहते हो आप वहाँ पे? वहाँ पे 2-3 महीने रहते हैं। 2-3 महीने और उसके बाद फिर नीचे पांडवसेरा जाओगे, मधुमेश्वर के ऊपर। देखो दूसरे ताऊ जी भी, कितने लोग हैं ताऊ जी आप? हम 6 आदमी है। 6 आदमी आज कहाँ लेके जाओगे इनको? यहाँ ऊपर देवरताल। अच्छा, देवरताल कल? कल मनसुना और फिर परसों ये गोंडार और उसके बाद पांडवसेरा। पांडवसेरा 4 दिन में? 4 दिन में पहुंच। और ऊपर कितने दिन रहोगे आप? वहाँ तो 2-3 महीने रहेंगे। अच्छा, और कितनी बकरियाँ हैं ये? ये हैं 1100। 1100 कितने लोगों की हैं ये सारी? काफी लोगों की है। तब भी आपको आइडिया होगा, फिर भी ये होगा करीब 15-20 आदमी का। 15-20 लोगों की 1100, बाप रे, बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का, बहुत मेहनत का काम करे था। सही बात, सही। तो बाल बच्चे से बाल नहीं है। सही बात है, सही। छूट गया था पीछे। अच्छा, कुत्ता भी ये भोटिया है ना? हाँ, भोटिया है। अच्छा, इसको भी वहीं ले लिया जाओ। ठीक है, ठीक है, आराम से जाओ। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, बाय बाय। आ रही है फ्रेशनेस? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बढ़िया मजा आ रहा है। एक बार जोर से ले लो, सांस भर के ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। नेचर के साथ साथ तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है, और जिसमें आपका व्यवहार वो सबसे ज्यादा अच्छा है, और आपके यहाँ का खाना है से लेके सारी चीजें बहुत अच्छी है, और हमको काफी मजा आया। तो आई होप हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। अरे होप नहीं है, वो तो आना ही आना है। आना ही आना है। अच्छा लगा आपके साथ, काफी मजा आया। और आपके लिए तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, वी हैड सो मच फन। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा यही मजा आया। बस अब लोग प्यार है, खुश रहो, ऐसे हंसते रहो, खिलते रहो, और फिर दोबारा आएंगे उत्तराखंड की वादियों में, फिर दोबारा आएंगे। जन्नत तो यही है। सच में घर जैसा फील आया था। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन। पक्का पक्का, जरूर आइए, जरूर आइए। प्लीज विजिट हियर, मस्ट विजिट हियर। बस आप लोग आइए, आप लोग औरों को बोलिए जैसे जैसे आपको लगा। डू कम हियर, सच अ नाइस प्लेस यार। कहां पे, यहां से कितनी दूर, रोड से कितनी दूर है? 10 मीटर थोड़ा सा ही, 10 मीटर 2 मिनट्स का। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। हेलो आंटी, आप बहुत 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 प्यारे, और अंकल आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से मिलने आऊंगी आपसे, आप भी आइएगा। आंटी को दिखाता हूँ इसको, ठीक है? ओके बाय। पहले तो हम यहाँ से ना कुछ सामान रख लेते हैं, तो कुछ हेलो 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 हेलो, कैसे हो? बढ़िया। क्या क्या खिलाएगा तो आज हमें? कुछ टाइम पास के लिए खिला। तेरे पापा कहाँ गए? घर रख लो कुछ बन बिस्किट। ऐसे बात कर रहा था फोन पे, मतलब फोन नहीं है पर ऐसे किसी से बात कर रहा, किसे कर रहा था? गर्लफ्रेंड से। ऐसे नहीं, ऐसे। अरे इसकी गर्लफ्रेंड हो गया यार, गर्लफ्रेंड हो गई है। अच्छा, क्या रखना है? कितने हुए? तो चलो ओरियो रख लिया, अपने चिप्स वगैरह रख लिया। 60 कर दे पैक इसको। तो 200 दिखा रहा है। तो चलिए फिलहाल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत नज़ारों से। अभी सुबह सुबह गेस्ट थे, कुछ उनका चेकआउट हो गया, और आज हमने सोचा यार आज घर पे भी क्या ही करें, आज आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा गाँव से बाहर की साइड पर ले चलते हैं। और ये जो पीछे ये रोड जा रहा ना, ये हमारे सीधे गाँव तक जाता है, और हम इससे थोड़ा सा पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास गाड़ी बाइक तो थी नहीं, वो पापा ले गए हैं बाइक, और अभी हम पैदल ही जा रहे हैं। मेरे साथ हैं अरुण भैया, अरुण भैया थोड़ा आगे
चले गए और ये रास्ता जा रहा है तो हमें जाना है वहाँ साइड पर, वहाँ पर एक नदी टाइप का ना। तो अरुण भैया काफ़ी दिनों से बोल रहे थे यार नदी पर ले जा हम मुझे घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा यार आज तो आपको भी ले चलते हैं और अरुण भैया को भी लेके चलते हैं। और यहाँ से नज़ारा देखो यार, एकदम बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सामने पूरी वादियाँ हैं, पूरी वैली दिखती है और ये हमारे गांव का रास्ता है। तो चलते चलते हम पहुँच गए पुण्या में, इस जगह का नाम ना पुण्या है और यहाँ पे ना हमारे एक दादाजी हैं। दादाजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और पंकज, पंकज हेलो, हेलो पंकज, हेलो 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 हेलो। पंकज को बिस्किट देते हैं यार। पंकज अच्छा, पंकज ले, पंकज पंकज क्या कर रहा तो? अब पंकज टाटा देखिए, पंकज भी हैं। देखो दादी जी भी आ गई। दादी क्या लाया दादा के लिए खाने के लिए? दाल सब्जी भात। अच्छा दाल सब्जी भात पानी, ठीक है ठीक है ठीक है। और पंकज भी यहीं पे खाएगा है? पंकज घर जाएगा? घर जाना पंकज है? अच्छा ठीक है पंकज भाई हेलो। तो अभी आप जिनसे मिले वो थे हमारे गांव के दादाजी हैं और उनके साथ जो पंकज था ना, पंकज अभी छोटा है, वो भी दादाजी के साथ पूरी हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ना सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता है। तो लेकिन वो दादाजी के साथ पूरी हेल्प करता है, सुबह आता है, अभी आ गया, पूरी पत्थर तोड़ता है और फिर जाके अभी लंच के लिए घर पर जाएगा, फिर शाम को वापस आता है। तो उसका डेली रूटीन यही रहता है। पंकज को देखे मतलब बहुत वो होता है यार, अब कर भी क्या सकते हैं, नेचुरल है, लेकिन क्या बोलते हैं वो अभी घर चले गया। बाकी मेरे पास एक बिस्किट था, मैं हमेशा सोचता था उसको ना कुछ दे दूँ, लेकिन आते टाइम याद नहीं रहता था। आज अरुण भैया ने रखा हुआ था बैग में, तो मैंने उसको एक बिस्किट दे दिया और वो भी थोड़ा खुश हो गया। और उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बस हाई हेलो करता है और इतना ही बोलता है, बाकी हंसते ही रहता हमेशा। कभी भी उससे मिलो ना, उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान रहती है और वो मुस्कान इतनी प्यारी रहती है ना कि वो काम करता है, चाहे कुछ भी कर रहा हो, भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, उसको बस इतना ही पता है कि मेरे को रोड के ऊपर साइड पर चलना है और हंसते हुए चलना है, काम करना है, बस हंसते ही करना है। तो इससे मिलके थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन उसकी चेहरे की मुस्कान जो होती है ना, उससे ऐसा लगता है कि यार ये अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है। बाकी क्या ही बोलें। बाकी अभी हम पुण्या पे पहुंच गए, इस जगह का नाम ना पुण्या है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है हमें। और इस साइड से देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया ना, ये हुड्डू है, वो कांडा है, देड़ा है और ये मस्तूरा है। यहाँ पे ही अपनी स्कूल थी और यहाँ से ना हम लोग पैदल जाते थे, तो हमारा घर ना वहाँ उस साइड, उस ये वाली पहाड़ है ना उसके पीछे ही है। बस वहाँ पे खेत है, पहाड़ तो नहीं है, वो उसके पीछे ही है अपना पूरा गाँव। बाकी यहाँ से नज़ारा देखो यार। कक बेलू ना ये था माती बाडनी बे, ये बाबा ये तो बहुत बड़ो भारो छे। कक लाने ब्योर मस्त रे। हां अच्छा पापड़ी उसो में, ये पापड़ी है ना। अच्छा यो इन रेताई। ओ तो ये देखो, ये पहाड़ की नारी है, इतना बड़ा पीठ पे ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी वो यहां से लेके जा रही है और उतनी नीचे तक ले जाना है, और उनकी एज ना लगभग 65 अप्रोक्स तक होगी, तो मतलब काम तो ज़रूरी है। और वो पता कौन है? वो ताई हैं, वो सुजान भाई थे ना मेरे साथ केदारनाथ यात्रा में, तुंगनाथ में जब ओपनिंग हो रही थी उस टाइम पे थे ये सुजान भाई, उनकी ताई हैं वो। तो वो यहाँ उनका जंगल यही है ना, वो मतलब उनका जो गांव है वो नीचे देड़ा में है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर ही रहते हैं, तो उनका जंगल ना ये वाला बढ़ जाता है, तो यहाँ से लेके जाते हैं वो नीचे तक। बाप रे, वैसे सारी जगह इतना ही होता है, बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा ही दूर आ जाती है। तो अभी हमें ना थोड़ा सा ऊपर जाना है, रोड तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया और ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे बैठने के लिए। आजकल धूप थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है ना, बारिश हो रही है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है नदियों में। वो देखो पानी बहुत कम आ रखा है, इसमें है ही नहीं मतलब पानी, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी रहता इधर। और ऐसा कुछ रास्ता है अपना, और यहाँ से देखो लोगों का ना पानी पीने का पानी भी जाता है, तो इसमें ऐसे फिल्टर हो जाता है और यहाँ ऐसे बंद हो जाता है, तो पहाड़ों का शुद्ध पानी ऐसे भी आता है गाँव के लिए। अरुण भैया पानी तो है ही नहीं यहाँ, क्या करें अब? अब क्या करें, ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पे।
तो सोचा था इस नदी में नहाएंगे, इसमें पानी नहीं है, टॉवल भी ले आए थे, बाकी अपने सामान तो बिल्कुल एकदम मस्त ले आए थे। और अरुण भैया भी बिल्कुल नाराज हो गए, अब मैं क्या करूँ, अब पानी नहीं आ रहा तो क्या करें, वो है सूखा हुआ स्विमिंग पूल, उसमें नहाए क्या। अब पता दिक्कत क्या हो रही है, हम आने को तो आ गए हैं, अब इस कड़ी धूप में ना फिर हमें वापस जाना होगा, सूखे पापड़ हो जाएंगे अभी इतनी धूप में, वो इतनी धूप हो रही है। बाकी हो गया, हमें यहाँ पे भी आधा घंटा हो गया, और हम ना ऐसी लोकेशन में बैठे हुए थे, देखो ऊपर सारी जगह पेड़ हैं, पत्थर हैं, और ऐसे ऐसे केव्स हैं, देखो अच्छा लग रहा है। और ये वाला पानी ना सीधे गाँव को जाता है, नीचे गाँव वालों को जाता है, बाकी जब बरसात का टाइम होता है तब यहाँ पर बहुत पानी आता है, इधर पूरा फुल रहता है। तो मुझे तो यही आइडिया था कि मतलब यहाँ पानी होगा तो आराम से नहा लेंगे, लेकिन हो गया पोपट हो गया, अब निकलना पड़ेगा यार, सब घर पे चलते थोड़ा आराम करते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं घर के लिए। और जब हम वापस आ रहे थे ना, देखो मैं फिर पंकज मिल गया, पंकज ने अपना लंच करके आ गया, और फिर वही चेहरे पर वही मुस्कान। पंकज हेलो, हेलो पंकज, नमस्ते, क्या देख रहा है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए तो पंकज क्या चाहिए बाय। तो अभी तो हम घर पे आ गए, और फिर देखो बारिश स्टार्ट हो गई है सामने, देखो थोड़ी सी धूप थी, अच्छी खासी धूप थी, और अच्छा खासा बैठे थे, जैसे हम घर पे पहुँचे फिर बारिश स्टार्ट हो गई। और अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, अब कब तक मौसम साफ होता है, थोड़ा सा बैठते आराम करते हैं यार। तो फिलहाल मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, धूप बारिश पहाड़ों में यही हो रहा है आजकल, दिन में धूप आ रही है, शाम को ये मौसम दिख रहा है। और हम भी आज के दिन को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करेगा, और अब से हम नए अपने जो आगे के व्लॉग होंगे ना उनको सबको 2 या 2 बजे से 5 बजे तक ही अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग का इश्यू आ रहा है, इसलिए शायद वीडियो नहीं चल पा रही है, मुझे थोड़ा सा मेरे को इश्यू लग रहा है, तो मन में डाउट था, तो मैं थोड़ा टाइमिंग चेंज करूंगा, तो आगे से जो व्लॉग आएंगे वो आएंगे आपके 2 से 5 बजे के बीच में, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, नहीं तो फिर से वापस उसी टाइम पर आ जाएंगे, तो सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, क्या करें। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।